नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ वह है गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड, जिसे कब करवाना उचित होगा। तो वैसे तो हम ये कहें कि आप जैसे ही गर्भावस्था की पता चले तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और वे जैसा कहती हैं उसके अनुसार फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और बाकी नियमित जांच करवाएं। लेकिन जो सामान्यतः देखा जाता है कि लगभग अधिकतर गर्भवती महिलाओं को 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाना आवश्यक होता है और 4 प्रसव पूर्व जांच करानी भी जरूरी है। तो जिस प्रकार हम 4 प्रसव पूर्व जांच करवाते हैं उसी प्रकार 2 अल्ट्रासाउंड करवाना भी जरूरी है। पहला अल्ट्रासाउंड इसलिए कि बच्चा सही से विकसित हो रहा है या नहीं, वह गर्भ में अपने समय अनुसार पल रहा है या नहीं, और दूसरा कि जब प्रसव हो उसके पूर्व करवाएं ताकि प्रसव सामान्य होगा या फिर सिजेरियन, डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन से, इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड को करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए यह सोचने लगते हैं कि कब करना है। तो सबसे जो पहला करवाना है वो 12 सप्ताह के बाद यानी तीसरे महीने के बाद करवा लेनी चाहिए, और जो दूसरा है उसको 8 महीने के बाद, पहला 3 महीने के बाद, दूसरा 8 महीने के बाद। अब ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद तो पांचवा महीना में, छठा महीना में, ऐसा भी नहीं है। जैसे ही 12 सप्ताह कंप्लीट होता है आप पहला अल्ट्रासाउंड करवा लें, और जैसे ही 8 माह कंप्लीट हो जाता है यानी 24 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है दूसरा अल्ट्रासाउंड। पहला यह देखने के लिए कि बच्चा सही प्रकार से वृद्धि कर रहा है या नहीं, यानी 12 सप्ताह हो गया और 12 सप्ताह में जो अंग विस्तार होने चाहिए वे हुए हैं या नहीं, किसी तरह की और समस्या तो नहीं, इसे देखने के लिए पहली बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और जो दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, जो शिशु गर्भ में पल रहा है, उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों में यही अंतर है और यही समय है जिससे कि हम ये पहला तो ये पता लगाएं कि विकास सही से हो रहा है या नहीं, और दूसरा इसलिए कि विकास जब पूर्ण हो जाए तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा या फिर सिजेरियन सेक्शन से। इसलिए 2 बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी रहती है। जो लास्ट में हम करवाते हैं 8 महीने के बाद, उस समय बच्चा फिक्स हो गया रहता है और अब मूवमेंट के चांस, मूवमेंट तो वैसे होते ही रहता है, लेकिन जैसे अब बच्चा सही पोजीशन में आ गया रहता है 8 महीने के बाद, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा का सिर नीचे है या नहीं, बच्चा कहीं तिरछा तो नहीं, बच्चा उल्टा तो नहीं है, या उसके गर्दन में नाल लपेटी हुई तो नहीं है, यदि लपेटी हुई है तो वह कितनी बार है। इन सबों को जानकर हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि प्रसव नॉर्मल होगा या फिर सिजेरियन सेक्शन से। तो इसलिए 2 बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी है।